हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया, जय श्री राम। आज अपनी नई राइड स्टार्ट कर रहे हैं अपन घर से। मेरे फादर, मदर सब जने उठ गए और इस बार मेरे साथ एक न्यू राइडर आ रहा है। इंडिया का सबसे छोटी उम्र का राइडर है, मात्र 13 साल की उम्र का है और मेरे साथ चल रहा है राइड करने के लिए। इससे कम उम्र का कोई राइडर आपने नहीं देखा होगा अभी तक यूट्यूब पर। फर्स्ट राइड है इसकी और लेकर इसको अपन चल रहे हैं किसी भी यात्रा पर। जाने से पहले मम्मी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है और ये लक्ष्मी जन है। इस बार न्यू राइडर भी है हमारे साथ में। आलू आलू तो वो काम करता है। तो मम्मी पापा का आशीर्वाद अपन ने ले लिया है, अब अपन सीधा आपको बाइक पे मिलेंगे। ठीक है, प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं उसके बाद सीधा निकलते हैं। तो बने रहो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। ये सब आपको ही खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें होती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सीधा बाइक पे। और सबसे पहला काम अपने प्रभु का आशीर्वाद, तो इसको तो लेने बिना अपन चल नहीं सकते। पहले प्रभु का आशीर्वाद लेंगे और फिर बाकी सफर स्टार्ट करेंगे। हे कल्ला राठौर, जय मां नागलेचा, जय सगदी सरकार, जय गातोड़िया धाम, जय गातोड़ी बाबाजी, माँ कृष्णा कुंवर सती माँ, सब जने रक्षा रखना, मेरी रक्षा करना, मेरे साथ मेरा भतीजा आ रहा उसकी रखना, उसकी रक्षा रखना, राजू खुशी हमें लेकर जाना, राजू खुशी लेकर आना और पीछे मेरे परिवार की भी रक्षा करना। जय कल्ला राठौर, घरवाला रक्षा रख दो दाता और मारी भी रक्षा रख दो। अल्लाह ने चलो कटा की तकलीफ नहीं मिलनी चाहे, माने हमेशा लारे रहना है आपने। जय राणा जी बाबू जी। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया गाइस, अपन निकल चुके हैं एक जबरदस्त राइड के लिए फुल ठंड में। सुबह 4 बजे का उठा था पर यार सुबह हिम्मत नहीं हुई इतना जल्दी निकलने, क्योंकि मेरे साथ मेरा भतीजा है और अभी वो इस सब चीज़ों के लिए तैयार एकदम से नहीं है। तो अभी फिलहाल अपन निकल चुके हैं, अभी तो अंधेरा, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, पर उजाला होने दीजिए, फिर अपन इत्मीनान से बहुत सारी आराम से बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना, पूरा वीडियो देखना, इस सीरीज को पूरा देखना, काफी इंजॉय करने वाले हैं अपन। हेलो गाइस, वेलकम टू द योर फेवरेट यूट्यूब चैनल टीएसके राइडर। गाइस अपनी एक जबरदस्त राइड स्टार्ट हो चुकी है। आज अपन निकल चुके हैं उदयपुर से, उदयपुर सिटी से बाहर आ चुके हैं और अपन न्यू रोड पे चल रहे हैं, जो उदयपुर भिलवाड़ा जो न्यू रूट है उस रूट से अपन दिल्ली की ओर जा रहे हैं। फर्स्ट स्टॉप अपना दिल्ली है, उसके बाद का डिसाइडेशन आगे किया जाएगा। आप कैमरे में देख पा रहे हो क्या जबरदस्त धुंध है, देखिए आप, अल्टीमेट व्यू है। और सुबह की बज रही है 7:12, 4 बजे से मैं उठा था, तैयार होकर बैठा और मेरे साथ एक और राइडर है आपको, जिन मैं बता चुका हूँ इंडिया का सबसे कम उम्र का राइडर है, सबसे यंगेस्ट राइडर बनने वाला मेरा भतीजा, क्योंकि वो मैं आगे आपको चल के दिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, और वो भी प्रॉपर राइडर, प्रॉपर गेयर अप करके, हाँ यूँ फर्जी वाला नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो बाइक उड़ाते वो नहीं, प्रॉपर राइडर प्रॉपर गेयर अप करके राइडिंग करेगा। ठीक है गाइस, और दूसरी चीज, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको मैं इंडिया का सबसे छोटी उम्र का जो राइडर है वो कैसे बाइक चलाता है, कैसे क्या स्टैंड करता है या क्या करता है, आपको दिखाऊंगा जरूर मैं। ठीक है गाइस, और अभी अपन उदयपुर से बाहर निकल गए हैं। गाइस क्या एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, आप देखें मौसम, जबरदस्त मौसम हो रहा है, जैसा मैं चाह रहा था या जैसा मैं सोच रहा था ऐसा मौसम हो तो मज़ा आएगा बाइक राइड करने में, तो वैसा ही मौसम हो रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है।
फर्स्ट ब्रेक के लिए रुके हैं, लगभग 130 किलोमीटर गाड़ी चला ली, ठंड बहुत है यार। बीच में एक दो जगह छोटे छोटे ब्रेक लिए थे, ऐसे नॉर्मल रुके हुए थे, और अब एक बिग ब्रेक लिया, टी ब्रेक लिया है, और टाइम हो रहा है 9:25 हो रहे हैं टाइम। अब अपन ने ब्रेक लिया है, चाय पीते और फिर अपन वापस आगे निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। गाइस फर्स्ट ब्रेक ले लिया है, 9:48 हो रही है, और आप मौसम देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई है, और शीत हल्की हल्की हवा भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा मौसम है बुरा मौसम है ये कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। इस मौसम में राइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या अच्छा है या बुरा है, ठीक है दोस्तों। निकलते हैं सीधा और पहुंचते हैं सीधा दिल्ली। गाइस अभी अपने को गाड़ी दिख रही है ज़बरदस्त गोल्डन कार एकदम, ये देखिए DL दिल्ली की गाड़ी। क्या जबरदस्त लग रहा है, देखो ना फॉर्चुनर वाला ट्रक हाइलेक्स, क्या जबरदस्त लग रहा है। अपन पास में जाके और देखने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं उसको पास में से और कैचअप कर सकें। बाकी गजब मॉडिफाई कर रखा है, बहुत जबरदस्त मॉडिफाई कर रखा है, और लग भी बहुत प्यारा आ रहा है। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और उसको पास में से कैच करने की कोशिश करते हैं, और चल भी ऐसा जो चला रहा है वो भी कोई बहुत भारी ड्राइवर है भाई साहब, हैवी ड्राइवर है, फुल स्पीड में भगा रहा है अच्छी खासी। पर आपका भाई भी कम नहीं है, इसको अच्छे से देखने के लिए अच्छे से कैच करने के लिए अपन ने फुल स्पीड में थ्रोटल खींच लिया। देखो लग रहा है ना पूरा ज़बरदस्त, पीछे का पूरा मॉडिफाई कर रखा है और तगड़ा बना रखा है भाई इसने, पीछे बम्पर वम्पर भी वो वैसल डाल रखे हैं कुछ अलग ही तरीके के। आज के दिन की दूसरी एंटिक गाड़ी है, ज़बरदस्त गाड़ी है बना रखी है। पहले अपन ने सुबह देखी थी गोल्डन, और अब अपन ये देख रहे हैं हाइलेक्स। अब ये हाइलेक्स ही है या कोई और हेवी वेरिएंट वाली गाड़ी है ये मेरे को भी नहीं ध्यान। OMG एक्सीडेंट हो गया, आराम से भाई लोगों आराम से। इस गाड़ी वाले की भी गलती नहीं है, क्योंकि इसके आगे वाला भी एकदम से रुक गया तो हो गया लपड़ा, और कोई नहीं चलो। सिटी में ये अच्छा है कि कोई किसी को लड़ता वड़ता नहीं है, फटाफट निकल जाते हैं। आखिरी फ्यूलिंग हो गई है और लघु शंका भी हो गई, अब सीधा कोशिश यही है कि करोल बाग जाकर ही रुकेंगे, इच्छा तो यही है, आगे की प्रभु इच्छा। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिल्ली तो अपन पहुंच नहीं पाए, उससे 100 किलोमीटर पहले रुक गया हूँ, जगह का नाम मुझे नहीं पता, पर यार खाना खाने आया मैं एक जगह, ढाबे का नाम बताऊंगा आपको मैं। पूरा मॉल एक तरीके से, ढाबा नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं कह सकते, पूरा मॉल है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के आउटलेट भी खुले हुए हैं, और जैसे हाँ हाईवे किंग होटल, हाईवे किंग काफ़ी बड़ा और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये देख लीजिए दुनिया भर के आउटलेट भी खुले हुए हैं, ये देखिए डेनवर यूनाइटेड कलर ऑफ US पोलो का ऊपर कुछ और खुला हुआ है, ये देखें आप सब बड़े बड़े सुपर स्मार्ट टावर और तगड़ी चीज़ है भाई। ये कॉन्सेप्ट अपने दिल्ली में ही, अपने उदयपुर में अभी तक इस तरह का कॉन्सेप्ट आया नहीं है, और यहाँ पर लोग ख़रीदारी भी करते हैं, तो खाना खाने दिल्ली से यहाँ तक आएंगे, कोई जैकेट पसंद आ गया, कोई टी शर्ट पसंद आ गया, कुछ आ गया तो उसको ख़रीद लेंगे। अब अपन ऐसे नहीं है कि खाना खाने जाए ना 10,000 के कपड़े ख़रीद ले, ये सिस्टम दिल्ली में ही है। बाकी प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त है यार,
प्रॉपर्टी देख के अपने को बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार प्रॉपर्टी। मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, ये देखिए ये है प्रॉपर्टी, बहुत तगड़ी। इधर पूरी मॉल टाइप शॉप बनी हुई है, उधर मॉल टाइप शॉप बनी, उधर पूरा मॉल टाइप बना हुआ है पीछे की साइड में, और अंदर काफ़ी बड़ा है यार, और बजट से भी बहुत बाहर है। और भाई बजट से भी ज़बरदस्त बाहर है, इतना बजट अभी अपने लिए राइड स्टार्ट करने में 450 रुपये का दाल मखनी में नहीं खा सकता, सीधी सी बात है यार। और 40 रुपये की बटर रोटी, सिंपल जो बटर रोटी आती है वो 40 रुपये की एक, इतना हाई पावर नहीं हो सकता यार। अपने पास अभी यूट्यूब से इनकम आवे नहीं है, यूट्यूब वाला कोई मतलब नहीं है, पर अभी नहीं हो सकता है, बजट थोड़ा आउट ऑफ चला जाएगा। इसलिए पास में एक छोटा ढाबा है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया। सुबह की 8:30 बज रही हैं और भाई हम यहाँ रात को रुके थे, सुबह मैंने 4:30 का अलार्म रखा था, 4:30 बजे उठ के दिल्ली पहुँच जाएंगे। और बाहर क्या ठंड है यार, इस ठंड में नहीं निकला है। मैंने कहा नहीं यार, मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा है मासूम, मेरी मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं जाना, क्योंकि अपन राइड करने आए तो एंजॉय के लिए आए, और ऐसा तकलीफ देख के एंजॉय नहीं हो सकता। रुक गए, अब चाय वाय पी रहे हैं, अभी चाय मंगाई है, चाय पीते और देखते हैं आगे अब कब निकल पाते हैं, थोड़ा तैयारी करते हैं निकलने की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है? बढ़िया, हमारे हालचाल भी बढ़िया हैं। रात को 7:30 बजे तक हमने बाइक चलाई और दिल्ली से हम 100 किलोमीटर पहले रह गए, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था, पर हम 6:30 बजे निकले, प्लान तो हमारा 4:30 निकलने का था, तो उधर जल्दी निकले, लेट निकले तो इधर पहुंच नहीं पाए। तो अब यहाँ पर दिल्ली में क्या कंडीशन है, बहुत भारी कंडीशन है यार, बहुत ज़बरदस्त ठंड है, सांस फूल रही, देखिए आप ऑटोमेटिकली, और 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का आज, और अभी दिल्ली से दूर है, बोल रहे दिल्ली के जितना और पास में जाओगे उतनी ठंड और बढ़ेगी, तो देखते हैं क्या होता है, एक बार तो दिल्ली पहुँचे फिर आगे का देखते हैं। गाइस फाइनली अपन निकल चुके हैं, खतरनाक वाली ठंड है भाई, 11 बजे निकले हैं, 11 बज रही है तो भी हालत देखिए आप कैसी है, ऐसी धुंध हो रही है देखिए चारों तरफ, और सुबह 5 बजे तो क्या निकलते हैं हम यार पर अगर ऐसा होता ना, हिम्मत करके अगर निकल जाते इनके, तो ठंड तो बहुत लगती पर पहुंच जाते, ट्रैफिक का सामना कम करना पड़ता, पर यार अब सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि यार सुबह निकलेंगे आराम से, कोई बात नहीं, अब टाइम लगे तो लगे यार, घूमने आए हैं, कोई रेस लगाने तो आए नहीं है अपन, जो कि इतना परेशान हो गए। दिल्ली भाई दिल्ली पहुंच चुके हैं, मैं और कानू भाई, ये मेरा और कानू भाई का बिस्तर है और ये कमरा है। अगले 3 दिन तक कानू भाई में यही मजे करने वाले हैं, कानू भाई अंदर लघु शंका करने गए, भूत हो रहे क्या कर रहे हैं, देखो ये ठीक है, पहुंच गए फाइनली हम लोग।